हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकोटो के एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक फीचर कंपैरिजन SP 125 विद हीरो ग्लैमर 125। वैसे हमने दोनों बाइक राइड भी करी है, तो एंड में हम आपको अपना राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर कर देंगे दोनों ही बाइक्स का, एंड दोनों की पावर एस्पेक्ट्स वगैरह भी हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे कि दोनों बाइकें अपने अपने सेगमेंट में क्या लेकर आती हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, एंड साथ में लगा बेल आइकन भी दबा दो, एंड इंस्टेंट फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो वहाँ रिजॉल्व कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इनके दोनों के फ्रंट सेक्शन से कि हमको फ्रंट में दोनों में ही क्या देखने के लिए मिलता है। तो यार पहले मैं, नया हॉट मॉडल है भाई, नई लॉन्च है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमको यहाँ पर मिलता है ना भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ मिलता है ये साइड स्टैंड। जब तक मैं इसे उठाऊंगा नहीं तो ये स्टार्ट नहीं होती। अब मैंने इसे उठा दिया तो अब मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देख, एक फीचर तो हमारे ये आता है इसमें, और आप हेडलाइट सेटअप इस बाइक को मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा टोटल LED में देखने के लिए मिलता है, ठीक। और एक फंक्शन दिखा देते हैं, जैसे मैं इसे साइड स्टैंड को नीचे करता हूँ बाइक कट ऑफ हो जाती है। एक और इसमें फंक्शन जो हमको देखने के लिए मिल जाता है इस बाइक में, वो है कि अगर हम इसे ज़्यादा टिल्ट कर देते हैं ना, ज़्यादा टिल्ट हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। एक इसका टिल्ट एंगल रखा गया है, तो एक और ये इसमें फीचर देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं SP की। तो SP में जो हमको सामने हेडलाइट सेटअप वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, ये भी हमारा LED में ही आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमको LED ही देखने के लिए मिलते हैं। डे टाइम है तो भाई ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ वगैरह हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये फीचर हमारे हीरो ही लेके आता है। तो फ्रंट सेक्शन में हम जो टायर की बात करते हैं, टायर जो हमको मिल रहा है बाइक्स में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 इंच का टायर मिलता है, 80/100 के रेशियो में ये आता है। एंड यहाँ पर भी जो हमको टायर मिलता है 18 इंच का ही देखने के लिए मिलता है, एंड ये भी हमारा 80/100 के ही रेशियो में आता है। तो मीन्स टायर तो दोनों में ही सेम देखने को मिलता है, बट यार हीरो वालों को थोड़ा सा टायर पर काम करना चाहिए। TVS के टायर दिए हैं, यहाँ MRF का टायर मिल रहा है। MRF के टायर की थोड़ी सी ज़्यादा बेटर ग्रिपिंग होती है। दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए हमको मिल जाता है। ABS नहीं आता है इनमें, इनमें कॉम्बी ब्रेक सेटअप आता है कि हाँ ABS नहीं दिया जाता, क्योंकि 125 CC की बाइक है, इसलिए इसमें ABS नहीं मिलता है। दोनों में ही कॉम्बी ब्रेक सेटअप देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दोनों ही बाइक के। पहले हम बात करते हैं SP की। SP में हमको डिजिटल देखने के लिए मिलता है, जो इसमें यूनिक फीचर हमको मिल जाता है। यहाँ पर हमको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, एंड जो भी हमारी बाकी डिटेल्स है वो सब डिजिटल ही मिलती है। यहाँ पर हमारा फ्यूल मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर हमारा टाइम है, यहाँ पर टोटल किलोमीटर रीडिंग है, तो सब यहाँ पर डिजिटल सेटअप देखने के लिए हमको मिल जाता है। एंड यहाँ पर साइड में हमारे स्विचेस दिए गए हैं जिससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्विच गियर सेटअप की भी यही बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हमको ऊपर की साइड एक पास स्विच, यहाँ पर नीचे हमारे बाकी के स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर हमारा इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच भी देखने को मिल जाता है। चलिए हीरो पर आ जाते हैं अब, हीरो ग्लैमर पर। तो ग्लैमर में हमको ये डिस्प्ले बिल्कुल यूनिक दिया गया है। अब की बार ये आया है तो आप देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स के साथ आया है। फुल्ली डिजिटल है, ऊपर RPM मीटर, नीचे हमारा स्पीडोमीटर, टाइम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टोटल किलोमीटर रीडिंग, हमारा ट्रिप, एंड हमारा एवरेज तक ये दिखाती है कि एवरेज कितना है, और डेट वगैरह सब कुछ इसमें आता है। एक और इसका जो यूनिक फीचर है वो है इसका ब्लूटूथ। इस बाइक में हमको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, एंड यहीं पर ही साइड में हमारे उसके डायरेक्शंस आ जाते हैं कि आपको किधर की साइड जाना है। तो एक बेटर हमको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मीन्स फीचर रिच बाइक हमको मिल रही है इस बार हीरो की साइड से, एक जो कि फीचर्स हमारे रह जाते हैं, और काफ़ी मतलब जाए तो हायर सेगमेंट्स में भी हमको ये सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते जो हमको इस बार हीरो ने अपनी इस बाइक में दे दिए हैं। फ्यूल टैंक की बात करता हूँ तो यहाँ पर 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। SP 125 में हमको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। दोनों ही बाइक में हमको किक देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही बाइक में कंपनी ने किक मेंटेन रखी है, किक नहीं निकाली है अब दोनों ही बाइक से। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन स्पेक्स में यार देखो, दोनों ही बाइक 125 CC की हैं, तो जो पावर हमारी हीरो प्रोड्यूस करती है वो करती है 10.72 BHP की, एंड जो SP प्रोड्यूस करती है सेम पावर वो भी प्रोड्यूस करती है। टॉर्क यहाँ पर जो हीरो प्रोड्यूस कर रहा है ग्लैमर में वो है हमारा 10.6 Nm का, बट टॉर्क में अगर देखें तो SP थोड़ा सा जीत जाती है। उसमें हमको 10.9 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर 20 mm ज़्यादा मिलता है इन कंपेरिजन विद SP। SP में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, यहाँ पर हमको जो मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। वेट, अगर वेट की बात करूँ दोनों ही बाइक का, तो हीरो जो है हमारी थोड़ी सी हैवियर बाइक आती है। हीरो में जो हमको वेट देखने के लिए मिल रहा है वो 122 kg का कर्व वेट देखने के लिए मिलता है,
वहीं एसपी में जो हमारा वेट देखने के लिए मिलता है वो 117 केजीज का कर्व वेट देखने के लिए मिल जाता है। तो चलो यार एक बार मैं दोनों बाइक्स पर बैठ के दिखाता हूँ कि जो इनकी सीट है या सीट की जो कुशनिंग है वो कितनी बेटर है। वैसे मैं अभी दोनों को चलाया भी है तो मैं बता सकता हूँ। तो एसपी की जो सीट है यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड जो कुशनिंग है सॉफ्टर साइड पर है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और काफ़ी सही विड्थ के साथ यहाँ पर हमको सीट मिल रही है। एंड जो सस्पेंशन एसपी में मिल जाते हैं वो थोड़े सॉफ्टर साइड पर हमको सस्पेंशन मिल जाते हैं, तो थोड़ा बेटर रहता है हमारा वाइल्ड राइडिंग। हीरो की बात करूँ तो यार हीरो की भी कुशनिंग में इस बार हीरो ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो अब आपको मैं एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। एंड यार अपराइट दिखते हैं इसमें, इसका जो ये हैंडल भी है ना, हैंडल हमारी साइड आ रहा है टूवर्ड्स, तो ये जो बॉडी पॉस्चर है और ज़्यादा बेटर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है हमारी हीरो में जो ये अब की बार लेके आए हैं। एंड जो थाई सपोर्ट है वो भी यहाँ पर मेंटेन रखा गया है। मेरे को एक और चीज़ जो यहाँ पर अच्छी लगी ना, यहाँ पर यार देखो दोनों में 5 स्पीड गियर आते हैं, बट एसपी का ये थोड़ा सा ना उतारने के लिए जो रे मतलब पीछे की साइड हमको उतारने के लिए प्लेट दे रखी है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड है, अपवर्ड है, तो वो थोड़ा सा अनॉइड पोजिशन मेरे को लग रही थी जब मैं उसे चला रहा था। सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सस्पेंशन में हीरो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्टिफ है इसका रेयर सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन ऑल दो सॉफ्ट है तो फ्रंट में तो आपको कंफर्ट रहता है, बट जो रेयर है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार सस्पेंशन थोड़ा सा लग रहा है, आपको फील होगा। इंडिकेटर्स यहाँ पर दोनों ही बाइक्स में हमको बल्ब में ही देखने के मिलते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड रेयर साइड से हम एक बार आपको दोनों ही बाइक्स दिखा देते हैं कि रेयर में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो पहले हम दिखाते हैं हीरो। तो हीरो में जो हमको रेयर सेटअप देखने के लिए मिल रहा है एलईडी में है, एंड नीचे हमको यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट वगैरह भी मिल जाती है, एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी माउंट मिल जाते हैं। एंड जो ये प्लास्टिक है यहाँ पर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है। अलॉयज यहाँ पर भी 18 इंच के ही देखने के लिए मिल रहे हैं रेयर पे भी, एंड रेयर पे हमारा नॉर्मल ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है। चेन हमारी ऑल दो कवर्ड है, आप देख सकते हैं फुल्ली कवर्ड चेन सेटअप देखने को मिलता है। एंड जो रेयर टायर की रेशियोज़ हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, 18 इंच का मिलता है 80/100 के रेशियो में हमको देखने को मिलता है, सॉरी 100/80 के रेशियो में देखने को मिलता है। तो चलते हैं एसपी की साइड और एसपी का भी आपको रेयर सेटअप बता देते हैं एक बार। तो एसपी में जो हमको रेयर सेटअप देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पर हमको बल्ब में देखने के लिए मिलता है, आप देख सकते हैं ये बल्ब है। एंड जो नंबर प्लेट लाइट है यहाँ पर मिल जाती है, रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लाइट मिलती है, बट शायद थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है इस लाइट की। एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी है ऑल दो ओके यहाँ पर भी हमको देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन हमारे दोनों ही बाइक्स में सेम ही देखने के लिए मिल रहे हैं रेयर पे भी। एंड जो अलॉयज़ हैं वही 18 इंच का अलॉयज़ देखने के लिए मिलता है, MRF के टायर में ये आता है। एंड 18 इंच का यहाँ पर टायर देखने को मिल रहा है, ये भी सेम टायर है जो हमको हीरो में देखने को मिलता है, सेम साइज़ में रेयर टायर दोनों के ही देखने के लिए मिल रहे हैं। चेन सेटअप यहाँ पर भी हमको कवर्ड ही देखने के लिए मिल रहा है, एंड रेयर पे हमको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। तो चलो यार एक बार ना मैं इसके आपको दोनों बाइक्स के हॉर्न सुना देता हूँ कि कैसे हैं। तो पहले मैं कर रहा हूँ एसपी का, तो ये एसपी का हॉर्न था। अब मैं सेम करता हूँ हीरो का, तो ये हीरो का हॉर्न था। अब एक बार हम आपको इनके ना स्टार्ट करके सुनाते हैं कि स्टार्ट करके बाइक कैसी है। तो यार इसे तो स्टार्ट करने के लिए मेरे को स्टैंड से ही हटाना पड़ेगा, तो भाई ये साइड स्टैंड पे तो स्टार्ट ही नहीं होती है भाई। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ना एक बार हेडफोन लगा करके इसको सुनिएगा। होटल की आपने साउंड सुनी होगी कैसी है। इसमें एक चीज़ मेरे को जो अच्छी लगी है वो है कि यार स्टॉप वाला स्विच नहीं दबाना पड़ता है, गियर में होती है बाइक तब के लिए है ये फंक्शन। अगर आप न्यूट्रल गियर में होती है तभी ये फंक्शन वर्क करता है, न्यूट्रल में ये फंक्शन वर्क नहीं करता है आपका साइड स्टैंड वाला। चलो एक बार एसपी को भी स्टार्ट कर लेता है, एसपी तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी, इसको तो साइड स्टैंड पे नहीं करना है हमें। सो गाइस दोनों ही बाइक्स की मैंने आपको थ्रॉटल साउंड सुना दी है कि इंजन की क्या आवाज़ है, साइलेंसर का कितना रिस्पॉन्स है साउंड का, एंड जो भी राइडिंग क्वालिटी है वो हमने एसपी के तो पहले भी वीडियो कर रखे हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो ग्लैमर का वीडियो है ऊपर आई बटन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही बाइक BS6 कंप्लाइंट है, BS6 इंजन के साथ आती हैं, सिंगल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी के साथ हैं दोनों ही बाइक्स। एंड यार अपने अपने सेगमेंट में दोनों ही बहुत सही बाइक्स हैं अगर हम देखें। ऑन एन एवरेज अगर मैं नोट करूँ, अब जो यार ओनर्स क्लेम करते हैं ना एवरेज,
क्योंकि देखो एवरेज वाले जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एसपी में भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं सारे। तो उसका जो मेरे को क्लेम बताया है ओनर्स ने बताया है ऑन हाईवे 63 तक का एवरेज ये बाइक दे देती है। एंड ये बाइक अभी फ्रेश है, बट स्टिल अभी जिन ओनर से मेरी बात हुई है उन्होंने इसका 58 to 59 कहा है। बट अभी तो स्टार्ट है बाइक का, इतनी चली भी नहीं है, तो अभी और जितनी चलेगी उतनी रिफाइनमेंट आएगी और माइलेज में वो थोड़ा सा और फर्क पड़ जाएगा चलने के साथ साथ। तो यार अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होता है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए धन्यवाद।